नमस्कार, मैं सतपत अब्बास। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम धर्म यात्रा। औरंगाबाद के देव स्थित पौराणिक सूर्य मंदिर की महिमा और उसकी गरिमा अपरंपार है। यहाँ भगवान भास्कर अपने तीनों स्वरूप में विराजमान है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी श्रद्धालु यहाँ सच्चे मन से भगवान भास्कर की पूजा अर्चना करता है, भगवान भास्कर उसकी आराधना जरूर पूरी करते हैं। देखिए सूर्य मंदिर पर आधारित हमारी ये खास रिपोर्ट। औरंगाबाद की सूर्य नगरी देव स्थित प्राचीन सूर्य मंदिर न सिर्फ लाखों करोड़ों लोगों की आस्था और विश्वास का विराट प्रतीक है, बल्कि अपनी अद्भुत स्थापत्य कला का एक अद्वितीय नमूना भी है। बिना सीमेंट गारा के एक पत्थर के ऊपर दूसरे पत्थर को रखकर बनाया गया 100 फीट ऊंचा यह मंदिर सैकड़ों वर्षों से अडिग और निश्चल खड़ा है, जो हर किसी को हैरान कर देता है। वहीं इस मंदिर में भगवान भास्कर अपने तीनों यानी उदयाचल, मध्याचल और अस्ताचल स्वरूपों में विद्यमान है। ऐसी मान्यता है कि जो कोई भी भक्त यहां आकर सच्चे मन से भगवान भास्कर की पूजा अर्चना कर जो कुछ मांगता है, भगवान सूर्य उसकी मनोकामना अवश्य पूरी करते हैं। यही वजह है कि हर वर्ष लोग आस्था के महापर्व छठ के मौके पर यहाँ विशाल मेले का आयोजन होता है, जिसमें 12 से 13 लाख श्रद्धालु का जमावड़ा लगता है। यहाँ न सिर्फ औरंगाबाद बल्कि आसपास के जिलों के और दूसरे राज्यों से भी श्रद्धालु पहुँचते हैं और छठ व्रत का अनुष्ठान कर खुद को धन्य समझते हैं। आस्था मनोकामना पूर्ण होती है। बहुत धूमधाम से ही भगवान किए भी हैं, मेरे को फिर आए हैं भगवान से कि मनोकामना पूर्ण करें। मतलब ये श्रद्धा है कि भगवान पूरी करते हैं। कुमार में भी अति धोते थे, आज भी हम धोने बहुत पूर्ण करते हैं, भगवान फिर पूर्ण कर मेरे को। यही इसलिए हमेशा हम लगी हुई रहते हैं कि कभी कभी भगवान पूर्ण करते हैं। वहीं मंदिर में लगभग 50 मीटर की दूरी पर सूर्य कुंड तालाब भी है, जो अपने आंचल में अक्षुण गरिमा समेटे हुए है। ऐसा कहा जाता है कि इसमें स्नान कर देने से कुष्ठ रोग का नाश होता है, साथ ही पुत्र रत्न की प्राप्ति भी होती है। छठ के मौके पर इस कुंड के चारों ओर श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ उमड़ती है कि इसके घाटों पर तिल रखने तक की जगह नहीं मिलती। तालाब जल का जहाँ जहाँ उनके शरीर पर स्पर्श हुआ था वहाँ से उनका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया था। प्रसन्नतावश उसी कीचड़ नुमा जल में महाराजा एल के द्वारा अपना पूरा शरीर को लोटपोट किए थे और उसके कारण उनका कुष्ठ चला गया था, और तब से इस सूर्य कुंड की महताएं बढ़ गई थी और यहाँ तब से कुष्ठ निवारण के लिए और पुत्र के मन्नते के लिए महिलाएं यहाँ आती हैं और उनकी मन्नते पूर्ण होती है। देव के इस प्रख्यात सूर्य मंदिर से लोगों की आस्था इतनी गहरी जुड़ी है कि सिर्फ छठ के मौके पर ही नहीं बल्कि हर रोज सैकड़ों श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और भगवान भास्कर का दर्शन पूजन कर खुद को धन्य मानते हैं। माघ मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को गुरुवार के दिन देव नामक स्थान में इला के पुत्र एल ने त्रेता में 12,16,000 वर्ष बीत जाने के बाद में इस सूर्य मंदिर का शिलान्यास किया। जब हर पहले यह जान जाइए कि इला के पुत्र एल कौन थे, तो हर युग में एक मनमंत्र होते हैं, जैसे इस कई युग में वैवस्व नाम के मनमंत्र है, उसी प्रकार से त्रेता में मनु नाम के मनमंत्र थे। वो मनु की लड़की इला थी और इला के चंद्रमा के लड़का बुध, ये दोनों के संयोग से जो पुत्र पैदा हुए वही राजा अहिल हुए, जो कि कुष्ठ से ग्रसित थे और उनका कुष्ठ यही निवारण हुआ। यही सूर्य कुंड जो आज बरकरार है, जिसको हम अर्घ वगैरह देते हैं। बहरहाल देव सूर्य मंदिर की ख्याति देश के कोने कोने तक है। यही वजह है कि NH2 के रास्ते होकर गुजरने वाला कोई भी शख्स यहाँ आना और भगवान भास्कर का दर्शन पूजन करना नहीं भूलता। इससे उसे मन की शांति तो मिलती ही है, उसकी मनोकामना भी पूर्ण होती है। News 1/11 के लिए औरंगाबाद से रुपेश कुमार के साथ सतवर अब्बास की रिपोर्ट। News 1/11 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।